अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डब्ल्यू पी ऑनलाइन सर्विसेज़ पे आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज हमारा जो सेकंड लेक्चर है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, जिससे हम देखेंगे बिज़नेस कार्ड कैसे बनाते हैं। जब आप न्यू क्रिएट कर रहे थे वहाँ से भी आप बिज़नेस कार्ड ले सकते हो, अदरवाइज़ आप सब स्क्रीन पे आओगे तो यहाँ से भी आप बिज़नेस कार्ड का सिनेरियो कट कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको ये देखें 3.5 रेशो और 2.0 रेशो हम जो रखेंगे बिज़नेस कार्ड की, जिसके रिगार्डिंग हमारे पास ये बिज़नेस कार्ड का एक सिनेरियो सेट हो जाएगा। तो रिसेंटली हमने 5 टूल्स किए थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यूजिंग दीज टूल्स एंड यूजिंग सम अदर टूल्स हम बेसिकली हम अपना एक बिज़नेस कार्ड बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इस नॉर्मली एक रेक्टेंगल बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है, और हम इसको ड्रॉप कर लेते हैं अपने इस पेज पे। और पी पी का बटन जब हम प्रेस करेंगे तो ये सेंट्रल अलाइन हो जाएगा, मीन सेंटर ऑफ द पेज हो जाएगा। पी मीन सेंटर ऑफ द पेज। अब जो गैप वगैरह रहते हैं हम इन गैप को भी रिड्यूस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये हमारे पास गैप्स थे तो हम इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं, ये हमारे पास अपने गैप्स भी ख़त्म हो गए, ठीक है। तो आप इसको जितना जूम करोगे आपको नॉर्मली ये गैप तब नज़र आएंगे ज़्यादातर, ठीक है। लेकिन जब आप रेक्टेंगल प्लेस करते हो तो आप रेक्टेंगल की विड्थ और हाइट अकॉर्डिंग टू कार्ड एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये आपके पास रेक्टेंगल की विड्थ और हाइट मेंशन है, बट हम इतने ब्रीफली इन चीज़ों को नहीं कर रहे। हम नॉर्मली आपको बता रहे हैं कि हाउ टू डिज़ाइन दैट, ठीक है। तो नॉर्मली ये टेक्स्ट करेक्टर्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये उसके लिए होता है, ये कलर पैटर्न है, ठीक है। हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। तो हम अपना कोई भी एक बिज़नेस कार्ड बनाएंगे और बिज़नेस कार्ड बनाने के लिए हम सबसे पहले इसकी कुछ अच्छी अच्छी लेयर्स बनाते हैं, ठीक है। तो जो हमने रेक्टेंगल यहाँ ड्रॉप किया इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे कार्ड विद यूजिंग पिक टूल, ठीक है। और उसके बाद हम जो नीचे है शेप टूल, हम शेप टूल लेंगे, ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक इसके ऊपर करेंगे अपने माउस से और कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे। कंट्रोल प्लस क्यू भी करेंगे तो हमारे पास कन्वर्ट टू कर्व हो जाएगा। और देन हम अगेन इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसकी कोई भी कर्व पकड़ के यहाँ इस तरफ हम ले आएंगे, ठीक है। और नॉर्मली ये देखिए हमारे पास मिडल पे आ गया, ये माइनस का जो निशान है ये क्या करता है, डिलीट दी नोड। मैं नोड को डिलीट कर दिया, ठीक है। और अब मैं इसको पकड़ूंगा अगेन मिडल पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मेरे पास ये लाइन्स अपीयर हो जाएगी, क्योंकि हमने कन्वर्ट टू कर्व किया हुआ था तो कर्व अपीयर हो गया। और हम इसको अपने लिहाज से कर्व कर सकते हैं ताकि हमारा जो कार्ड है बिज़नेस कार्ड थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, तो हम दैट से इस तरह को कुछ अच्छे से कर्व करेंगे इसके, ठीक है। तो ये हमने कर्व इसको दे दिए। अब ये मेरे पास एक सिंगल कर्व है। अब इस कर्व को अगर मैं कलर देना चाहूँ, ठीक है, तो हम कोई भी कलर दे सकते हैं, बट हमें सबसे पहले मुख्तलिफ कर्व इसके बना लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये अट्रैक्टिव लगे। हम इसको कंट्रोल प्लस डी जब हम करेंगे तो ये डुप्लीकेट हमारे पास आ जाएगा इसका हो के। तो हम क्या करेंगे, अगेन क्या करेंगे, इसके ऊपर प्लेस करेंगे कंट्रोल प्लस डी को, और हम जो इसको है इसको थोड़ा साइज़ क्या कर देंगे, थोड़ा छोटा कर देंगे, ठीक है, ताकि हमारे पास एक क्लियर कट, एक अलग लोगो लगे, मतलब अलग एक एंटिटी लगे। और हम शेप टूल अगेन सेलेक्ट करेंगे और देन यूजिंग शेप टूल हम इसको बिल्कुल बराबर कर देंगे, और देन यूजिंग शेप टूल हम इसको भी बिल्कुल बराबर कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि हम इसकी कर्व्स को थोड़ा और निखारेंगे, ठीक है, ताकि मेरे पास अलग अलग कर्व्स लगें दोनों। अब इसको हमने कर लिया, कर्व्स अलग अलग हो गई हमारे पास। इसको हम जो पहले था हमारे पास ड्रॉप हुआ हुआ इसको हम कलर देते हैं सपोज रेड, और जो नीचे वाला हमारे पास ड्रॉप हुआ इसको हम सपोज कलर दे देते हैं, ठीक है, नॉर्मली दिस टाइप ऑफ दिस कलर, ठीक है। और अब ये हमारे पास एक कलर्स बिजनेस कार्ड का एक नॉर्मली एक डिज़ाइन बन गया है, ठीक है। आप इसको कोई भी कलर दे सकते हो अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस लोगो, बिजनेस टाइटल, ठीक है, कुछ भी आप कलर दे सकते हो, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हाउ टू कलरिंग दैट, ठीक है। तो आप जो भी आपका ब्रांड कलर होगा आप उसके अकॉर्डिंग कलर करोगे। अब इसको हम दोनों को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, राइट लेफ्ट क्लिक करेंगे और इन दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे। देखें हम स्क्रीन पे बस क्लिक किया और इन दोनों को हमने जस्ट लाइक देखें ड्रैग करके सिलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास है ना दिस इज कॉल्ड द आउटलाइन विड्थ, ठीक है, ये हम क्लिक करेंगे और नॉन कर देंगे। तो ये मेरे पास अब थोड़ा सा प्रोफेशनल लग रहा है जब हम इस कार्ड को लुक करना चाहें। ये देखिए हमारे पास ये जो है फुल स्क्रीन पे थोड़ा प्रोफेशनली लुक दे रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर नॉर्मली कि हम अपना कोई भी एक लोगो ड्रॉप कर देंगे। तो हम फाइल पे जाएंगे और इंपोर्ट पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हमारा कोई भी लोगो हमारे पास पड़ा होगा, हम सपोज ये हमारे पास एक जनरल नॉलेज का हमारा एक लोगो है, हम वो ड्रॉप कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने कोई भी अपना एक लोगो लिया और उसको यहाँ ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो आपने नॉर्मली लोगोज को उस लिहाज से डिज़ाइन करना होता है ताकि अट्रैक्टिव लगे, तो हमने ये लोगो डिज़ाइन कर लिया। आपने अपना कोई भी कंपनी नेम या कुछ भी आप ड्रॉप करोगे, सपोज मेरा कंपनी का लोगो हो गया, ठीक है, इसके ऊपर मैंने ड्रॉप कर दिया और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। लोगो अकॉर्डिंग टू डैट आप थोड़ा एडजस्ट करोगे, ये कंपनी नेम हो जाएगा हमारा, ठीक है। और नॉर्मली कंपनी नेम के बाद क्या होता है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं। तो हम नॉर्मली क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट अस। हम बिल्कुल जो है ना, हम नॉर्मल जिसे हम एक डिज़ाइन कह रहे हैं, हम नॉर्मल डिज़ाइन के ऊपर काम कर रहे हैं। अब हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे कॉन्टैक्ट अस को, ठीक है, और कॉन्टैक्ट अस को हम यहाँ ही रखेंगे और अपना कोई भी हम कंपनी नंबर दे देंगे। सपोज हमारा कंपनी नंबर है 0316, ठीक है,
और डॉट स्लैश 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 स्लैश, ठीक है, हम कुछ भी एक कंपनी नंबर दे देंगे, आप कुछ भी आप लिख सकते हो। सॉरी, तो हमने एक्स 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 एस सी लिख दिया यहाँ, ठीक है। तो आप नॉर्मली कुछ भी आप अपना कंपनी नंबर यहाँ दे सकते हैं, ठीक है। तो आप अपना कंपनी नंबर यहाँ दे दें, कंपनी नेम वगैरह जितना भी यहाँ सीनरी हो। हम सिंपल सिंपल डिज़ाइंस को पहले देखेंगे, हम सिंपल डिज़ाइंस के ऊपर वर्क करेंगे। दो नंबर हैं तो कंट्रोल डी डुप्लीकेट किया, और अपना एक नया नंबर भी आप नीचे दे सकते हो। बट डुप्लीकेशन से ये होगा कि आपके पास सेम नंबर ही रहेंगे। हम अगेन स्क्रीन पर क्लिक करके इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, कलर हम इनका वाइट कर देंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डैट हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। और हम इसको कहीं भी अपने प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद कंपनी एड्रेस, कंपनी कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस आप इस तरह देना चाह रहे हो इस तरह करो, ठीक है। अदरवाइज ज़्यादातर जो होता है कंपनी नेम, कंपनी एड्रेस जितने भी होते हैं ये इस तरह नहीं होते। आप कंपनी एड्रेस ज़्यादातर जब आप कार्ड पे दे रहे होते हो, बिजनेस कार्ड है आपका, तो आप नॉर्मली इसके अकॉर्डिंग इस तरह एडजस्ट करते हो। सपोज दिस कार्ड यू एडजस्टमेंट ऑफ दिस डैट, ठीक है। ये देखें, नॉर्मली आप इससे एडजस्ट कर रहे होते हो, ठीक है। तो नॉर्मली आप इस तरह करते हो। बट हम क्या कर रहे हैं कि जो सीखने के लिए हम बता रहे हैं कि आप कैसे दे सकते हो, बट आपने कोई भी एक डिज़ाइन देख लेना है, और हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हम अपना कोई भी एक डिज़ाइन देखेंगे इंटरनेट से अच्छा सा, और हम उसको आपको बना के दिखाएंगे कि आप कैसे उस डिज़ाइन को कॉपी भी कर सकते हो, और नॉर्मली क्या कर सकते हो कि आप डिज़ाइन को फॉलो करते हुए अपना न्यू डिज़ाइन कैसे क्रिएट कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड योर कॉन्टैक्ट अस नंबर, ठीक है। और यहाँ आप दोगे एड्रेस नंबर। अब जो एड्रेस फील्ड बार में हो गया मेरे पास एड्रेस, तो उसके लिए आइकन बनाना होता है। तो हम सबसे पहले ये क्लिप्स टूल लेंगे F7 से, दिस कार्ड वाले क्लिप्स टूल। और नीचे हमारे पास टूल है हमारा पॉलीलोगन टूल, हम वो लेंगे और कॉमन शेप्स में चले जाएंगे। और हमें एक कोई भी एक शेप ले लेंगे इनमें से, जैसे लाइक मैंने शेप ले ली ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल टाइप की शेप मैंने एक ले ली इनकी। अब मैं क्या करूँगा, अगेन शेप टूल सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, और इसको मैं राइट इसको क्लिक करूँगा शेप टूल के जरिए। सॉरी, पहले पिक टूल हम सेलेक्ट करेंगे, फिर राइट क्लिक, इसको राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, ठीक है, एक ही बार सेलेक्ट करके आपने राइट क्लिक करना है। तो हमने सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना है, और राइट क्लिक हमने कर दिया और कन्वर्ट टू कर्व कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास इसकी शेप टूल आ जाएगी, हमारे पास जितना भी है हम इसको यहाँ अटैच करेंगे, अगेन इसको यहाँ अटैच करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं जूम पेन के साथ, थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसको एडजस्ट कर लें, ठीक है। ये हमने एडजस्ट कर लिया इसको, और नॉर्मली हमने इसको यहाँ भी एडजस्ट कर लिया, ठीक है, ये हमने एडजस्ट कर लिया। जो लोकेशन आइकन है मैं बाहर से आपको ड्रॉप करना नहीं बताऊंगा आपको, मैं यहाँ से ही लोकेशन आइकन बनाना बता रहा हूँ। इन दोनों को सेलेक्ट करना, देखें हमने स्क्रीन पे क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक, और इन दोनों को क्या कर दिया सेलेक्ट। तो ये मेरे पास ये पैनल तब अपीयर होंगे। ये नंबर वन है वेल्ड, तो मैं वेल्ड अगर यूज़ करता हूँ तो ये मेरे पास पूरा वेल्ड होकर इस तरह आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर वन वाला टूल हमने यूज़ किया वेल्ड, और इसका जो कोई भी कलर है इसका, मैं कहता हूँ इट्स कलर इज़ वाइट, ठीक है। तो इसका कलर मैं वाइट रख लेता हूँ, और जो नॉर्मली जो दरमियान में मेरे पास होगा, क्योंकि मेरे कार्ड कलर कलर होगा रेड, तो मैं इसका कलर रख लूँगा रेड, ठीक है। तो मैं अपने इसका कलर रख लेता हूँ रेड, और इन दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं। इन दोनों को सेलेक्ट करके हम इसको कर लेते हैं यहाँ से नन, ठीक है। और जब हम इसको ड्रॉप करेंगे अपने इस पर कंट्रोल जी दबा दें, पहले इसको ग्रुप कर लें, ठीक है। और अब आप इसको जब ड्रॉप करोगे अपने इस कार्ड पे, तो ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ नज़र आएगी, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। इट्स योर आइकन प्लेसिंग आइकन, आप अपना आइकन खुद बना सकते हो, जरा टेलीफोन आइकन वगैरह ये तमाम खुद बना सकते हो। आइकन बनाने की भी आपको पूरी कंप्लीट क्लास दी जाएगी, जस्ट लाइक हमारा एड्रेस है पाकिस्तान, ठीक है, या कोई भी हमारी कंट्री हो सकती है, ठीक है। तो हम अकॉर्डिंग टू डैड एड्रेस देंगे पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान। बेसिकली एड्रेस में पहले स्ट्रीट ऑफिस नंबर होता है, फिर बिल्डिंग नंबर होता है, स्ट्रीट होती है, बट हम वो चीज़ें नहीं कर रहे, हम जस्ट नॉर्मली इसे कर रहे हैं समझने के लिए कि आप कैसे इसको मेंशन करते हो। दिस इज़ माई एड्रेस, ठीक है, दिस इज़ माई एड्रेस, और मैं जस्ट एड्रेस प्लेस कर रहा हूँ यहाँ पाकिस्तान, और ही मैंने अपना एड्रेस प्लेस कर दिया पाकिस्तान का, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगी हमारा एक नॉर्मली बिजनेस कार्ड, ठीक है। तो आप इस कार्ड के ऊपर और इन्हांसमेंट करना चाहो कर सकते हो, कुछ और डिज़ाइन इसके लुक देना चाहो तो आप कर सकते हो। दिस इज़ अ सिंपल डिज़ाइन ऑफ बिजनेस कार्ड। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ एक सिंपल डिज़ाइन ऑफ बिजनेस कार्ड देखते हैं। बहुत शुक्रिया आज का, और काइंडली आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आज की वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।